अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं विजय के साथ रोलर किचन कच्छ में आपका स्वागत है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये वीडियो है जो हम जोड़े बनाते हैं ब्रीड निकालने के लिए। तो उसके लिए जोड़ा अच्छा ही होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ब्रीड अच्छी नहीं निकलेगी, डायरेक्ट आप लगा दोगे तो पहले तो उड़ान देखो इसकी, ठीक है। 7-8-9 घंटा उड़ान ज़रूरी है। ये देखो ब्लैक डैम है, इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ आपको ये क्रॉसिंग कैसे किया है। तो पहले तो उड़ान चाहिए इसमें, ठीक है, 5-7-8 घंटा। फिर रोलिंग भी ज़रूरी है, रोलिंग में भी 5-6 अलग अलग तरह की रोलिंग आती है। रोलिंग भी इसमें चेक करना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, इसको चेक करें, इसके पट्ठे को चेक करें, पट्ठे की पट्ठे को चेक करें, ऐसे 4-5 का नस्ल लेने के बाद चेक करना पड़ता है। उसके बाद जोड़ा लगा, उसके बाद कलर सेम रखो, वाइट तो वाइट, काले तो काले, लाल तो लाल, ऐसे सेम जोड़ा बनाओ। उसके बाद इसका बच्चा लो, तो उसमें बच्चा लगभग तो सेम ही निकलेगा, और सेम नहीं निकलेगा तो एक तो निकलेगा, ठीक है। और दूसरा पट्ठा हुआ उसके बाद, तो वो 2 पट्ठे की जोड़ लगाओ, उसमें पट्ठा 110% सेम कलर निकलेगा, ब्लैक, जो मैंने ब्लैक डायमंड लगाया ना। अभी मेरे पास लगभग 14-15 या 17 साल के आजू बाजू हो गया है। पहले ये धूपाज निकालता था, ब्लैक डायमंड है, दूबाज निकालता था मेरे पास ब्लैक में, जंगली में, और कभी कभी काली धूम वाले वाइट भी निकाल देते। मैंने फीमेल चेंज किया, ब्लैक लगाया, फिर भी ये कभी कभी दूबाज में निकला था बच्चा, फिर कभी एक निकला, कभी 2 निकला। इसे कर करके मैंने अभी मेरे पास लगभग 15-17 कबूतर है ब्लैक डायमंड एक ही नस्ल का। तो इसे इसका पट्ठा है ना ब्लैक डायमंड का, वो सब के सब ब्लैक ही निकलता है, क्योंकि अभी नस्ल इसकी ब्लैक हो गई। वाइट लगाओ एक में, या दूबाज लगाओ, रेड लगाओ, ये नस्ल ब्लैक ही हो गई है। तो नस्ल लगाओ तो रोलिंग चेक करो, रोलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 1500-1500 वाला जोड़ा मिलता है, वीडियो में रोलिंग दिखाता है, घर पर भी रोलिंग करता है, लेकिन 1-2 साल कैची लगाता है तो फिर एक भी बल्दी नहीं मरता है, उड़ान भी नहीं करता है। तो ऐसे कबूतर में नस्ल मत निकालो, नस्ल बनाओ तो अच्छी बनाओ भाई, आगे भी आपको इसका बच्चा काम आ सकता है, उड़ान में, कलर में और रोलिंग में। क्योंकि मेरे पास अभी लगभग 20-25 जोड़ा है, पहले 2 ही जोड़ा था, ऐसे कर करके मैंने लगभग 15-20 जोड़ा की, अभी 20-25 जोड़े हैं मेरे पास, सबके सब ऐसे हैं। कभी फीमेल अच्छा लिया, कभी मेल अच्छा लिया, और कलर सेम कर कर मैंने बच्चा बनाया हूँ। अभी कंटिन्यू मेरे पास 3-4 जोड़ा ऐसा हो गया है कि इसका बच्चा सेम कलर में निकलता है। अभी ऐसा भी जोड़ा है जो मुझे सेम ही बनाना है, जितना भी टाइम लगेगा इतना, लेकिन कोशिश चालू रहेगा मैं, किसी किसके लिए फीमेल चाहिए, किसके लिए मेल चाहिए, ऐसे कर करके, क्योंकि कंटिन्यू बच्चा होना ज़रूरी है। जो ब्लैक डायमंड है मेरे पास, उसका पट्ठा है मेरे पास 10-15, वो कंटिन्यू ब्लैक ही निकलता है, ब्लैक डायमंड खुद ब्लैक नहीं निकलता है मेरे पास, वो दूबाज में भी निकलता है। अभी 3 पट्ठा मेरे पास रेड कलर में निकलता है, पूरा ऑरेंज कलर में, रेड कलर में। बाकी इसका पट्ठा है वो वाइट धूप में ब्लैक निकलता है, वाइट कली में भी ब्लैक निकलता है। तो नस्ल कंफर्म होनी ज़रूरी है, रोलिंग, उड़ान और कलर में। अभी मैं भी सब के सब जोड़ा ऐसा ही बनाऊंगा। तो आप भी रोलर का शौक़ रखते हो, रोलर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी देखने में मिलेगा और सुनने में भी मिलेगा, ठीक है, कैसे जोड़ा लगाना है, क्या करना है। बाकी फालतू फालतू जोड़े में बच्चा मत निकालो।
ठीक है, कोई भी आपको काम नहीं आएगा। बच्चा लो तो अच्छे से झूठ लगाओ, उसके बाद उसकी ब्रीडिंग कराओ। मेरे पास अभी लगभग 150 कबूतर है, इसमें 20-25 जोड़े का ही पट्ठा मैं लेता हूँ, पर किसी का भी पट्ठा नहीं लेता हूँ। टोटल 50 कबूतर आए, उसका ही पट्ठा मैं लेता हूँ। नहीं तो कबूतर सब के सब रोल रहा है, लेकिन जो अच्छे से जोड़ा है ना, उसका पट्ठा उसमें मैं रख देता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता है जो अलग क्रॉसिंग पे बच्चा निकलता है। चेक नहीं किया हूँ, ऐसा भी कबूतर है, उसमें मज़ा नहीं आता है नस्ल में, इसलिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो जिस भाई को कबूतर चाहिए तो वो कॉन्टेक्ट करें जल्दी। इसमें पट्ठे भी थोड़े अवेलेबल है, सिल्वर में, ब्लैक में है, ब्लैक डायमंड भी है, दिलछाप भी है, पट्ठे भी, और थोड़ा सा पट्ठा छोटे भी है, तो लगभग 8-10 दिन निकल जाएगा। अभी पार्सल के लिए, डिलीवरी के लिए कॉन्टेक्ट करो तो मुंबई वाले ही कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। गुजरात में भी प्रॉब्लम है गाड़ी का, इसलिए। और गुजरात थी पहले, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो गुजरात में भी अभी आजू बाजू में है जो, उसमें मैं डिलीवरी करता हूँ, लेकिन दूर में नहीं हो पाता है। तो अभी मुंबई तो कंटिन्यू गाड़ी चालू हुई है मेरा, 2-3 पार्सल अभी मैं भेजा ही था, वीडियो भी आपको मैं दिखाया था, ठीक है। तो वीडियो शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो भी थोड़े से सेल का है, सेलिंग में है अवेलेबल। जिस भाई को चाहिए वो रोलर के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं आपको बताया वो भूलना मत के, मैं जो बोला हूँ ना ऐसा ही जोरा करना, तो बच्चे कभी भी ख़राब नहीं निकलेगा, तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा बच्चे का। तो 15-20 दिन के अंदर में बच्चा फुल कंप्लीट हो जाएगा रोलिंग में, लेकिन उड़ान देना पड़ेगा। ऐसी नस्ल कम मिलती है कि उड़ान, बिना उड़ान के भी रोलिंग करेगा। मेरे पास है लगभग 3-4 जोड़े ऐसा, आप नहीं उड़ाओगे तो भी रोलिंग करेगा। बाकी रोलिंग का सिस्टम है भाई, आप उड़ान कराओगे तभी रोलिंग करेगा, बाकी डायरेक्ट ऐसे ही रोलिंग नहीं करेगा। मुझे 2-3 बार कॉल भी आया था मेरे कस्टमर का कि भाई रोलिंग नहीं करता है, आपसे जो जोड़ा लिया इसका पट्ठा मैंने उड़ाया, रोलिंग नहीं करता है। तो मैंने बोला भाई कितना दिन से उड़ाते हो, तो वो बोला भाई कभी उड़ाया ज नहीं, ऐसे ही घर में रखा हूँ। तो भाई घर में रखने से रोलिंग नहीं करेगा, उसको उड़ान देना पड़ेगा। और ऐसी जो अच्छे से अच्छी नस्ल होती है वही ऐसी है कि बिना उड़ा के रोलिंग करता है।